हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लेक्चर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप क्या देखने जा रहे हो, इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो है बर्ड फिश प्रॉब्लम। बर्ड फिश प्रॉब्लम में हम लोग रिलेटिव मोशन का भी कंसेप्ट देखेंगे और अपरेंट पोजिशन का भी कंसेप्ट देखेंगे। बट पिछले लेक्चर का शॉर्टकट ध्यान कर लेना, ब्रह्मास्त्र याद रख लेना, अपरेंट पोजिशन वाला, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट सिखाता हूँ, फिर इस पे प्रॉब्लम दिखाता हूँ किस तरीके से बनते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो बर्ड फिश प्रॉब्लम के अंदर अब कंसेप्ट इस तरीके से चलता है, जैसे येरी बर्ड जो कि कुछ हाइट के ऊपर उड़ रही है और इसकी हाइट जो है वो हम वाई ले लेते हैं। बर्ड जिस मीडियम में है, मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, म्यू बी ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर पानी के अंदर एक फिश जो है वो कुछ डेप्थ एक्स पर है, जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एफ ले लेते हैं। तो पहले पोजीशन पे काम करेंगे, फिर वेलोसिटी पे काम करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों कंसेप्ट आ गए तो आपका एक सवाल तैयार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो निकालना है एपरेंट पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर लो, बर्ड जब फिश को देखेगी तो भाई उसको फिश नहीं दिखेगी, उस फिश की इमेज दिखेगी और हमें पता करना है इसकी इमेज इसको कहां पर दिखाई देगी। पॉइंट समझ आ गया। तो हमें पता करना है बर्ड को फिश की इमेज कहां पर दिखाई देगी। तो अब ब्रह्मास्त्र एक बार फिर लिख दे रहा हूं। तो अपरेंट पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालने का हमारा तरीका, ऑब्जर्वर निकालने का हमारा तरीका था म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा एक्स बाय म्यू। अब हम इस पे काम करेंगे। तो आ जाओ, तो apparent position of image of fish as seen by bird, तो meaning clear कर लो, फिर से confuse मत होना। bird को fish की image अपने से कितनी दूरी पर दिखाई देगी ये उसको indicate कर रहा है। और इसे निकालने का तरीका पहले check कर लो। तो fish object का काम कर रही है और bird observer है। तो म्यू ऑब्जर्वर यानी बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो बर्ड के मीडियम का, और बर्ड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू बी। अब आप बर्ड से फिश तक के जितने एक्स बाय म्यू है सारे एक साथ लिख दो, तो यहां का रिजल्ट आ गया वाई बाय म्यू बी और अगला रिजल्ट आ गया मेरे पास एक्स बाय म्यू एफ। अब इस मेथड का एक बड़ा जबरदस्त फायदा है, वो आपको बस दो मिनट में बताता हूं क्या फायदा है। तो ये रहा हमारा अपरेंट पोजिशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। तो म्यू बी या फिर ऐसे सिंपल बोलू म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा एक्स बाय म्यू। आगे बढ़ते हैं। अब फिश ने बर्ड को देखना है तो एपरेंट पोजिशन, तो सेकंड स्टेप में अगले पेज पे ही लेता हूं। तो सेकंड स्टेप है एपरेंट पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। मीनिंग है इसका फिश से बर्ड की इमेज का डिस्टेंस। तो फिश से बर्ड की इमेज का डिस्टेंस, अब इसे निकालने के लिए लगाओ अपना ब्रह्मास्त्र। तो apparent position of image of bird with respect to fish, तो इसमें बर्ड हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, फिश हमारे लिए अब ऑब्जर्वर हो गई। रिजल्ट आ गया म्यू ऑब्जर्वर यानी फिश के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जितने एक्स बाय म्यू एफ बर्ड से फिश तक के वो लिखने हैं। तो बर्ड वाला हो गया एक्स बाय म्यू एफ, फिश वाला हो गया वाई बाय म्यू बी। अब जो मैं बोल रहा था कि एक बड़ी खासियत है वो ये है, चेक करना ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों चेक कर लो। तो वापस से देख लो, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों एक ही से है भाई, 2+3 या 3+2 एक ही चीज है। तो मतलब एक बार आपने कैलकुलेशन कर ली ना, दूसरी बार उस कैलकुलेशन का फायदा मिल जाएगा और एज इट इज हम रिजल्ट को उठा के लिख देंगे। तो अब आप जिस तरीके से कर रहे थे उसको छोड़ो, ये नया तरीका फॉलो करो, आपका प्रॉब्लम फटाफट से खत्म हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, ये सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ डिवाइड करना, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कैसे मैनेज करना है, सब ऑटोमेटिकली मैनेज्ड है। तो आगे बढ़ते हैं।
और एक प्रॉब्लम उठाते हैं। तो प्रॉब्लम यह है, एरी बर्ड और इधर पानी के अंदर फिश है, बर्ड की जो हाइट दे रखी है वो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर और फिश की डेप्थ दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आपको दे रखा है 4/3, बार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज यूजुअल 1 दे रखा है। अब मैं दोनों काम करने हैं। पहली चीज फाइंड आउट पोजिशन ऑफ, या फिर बोलू एपरेंट पोजिशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, और दूसरा प्रॉब्लम वही इसका रिपीटेड, एपरेंट पोजिशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो शुरू करते हैं। तो एपरेंट पोजिशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, तो बाहर आ गया हमारा बर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि कितना हो गया 1। अब आप x बाय म्यू लेते चलो, तो इधर का हो गया 12/1 और नेक्स्ट मेरे पास हो गया 16/4/3। तो ये 4 इधर कटा, ये 12 एंड 12 24। तो मतलब ये निकला कि बर्ड को फिश की इमेज अपने से 24 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी, ठीक है। एक्चुअली में ये 28 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रही है, 24 सेंटीमीटर पर, तो शिफ्ट हो गई 4 सेंटीमीटर से पास में, ठीक। अब दूसरा रिजल्ट, एपरेंट पोजिशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। अब बाहर मीडियम फिश का आ जाएगा, फिश का मीडियम हो गया 4/3। अब अंदर की कैलकुलेशन एज इट इज उठा लो, तो 24 और मेरे पास आ गया 32 सेंटीमीटर। तो फिश को बर्ड अपने से 32 सेंटीमीटर दूर दिखाई दे रही है, एक्चुअली में 28 है, 32 यानी और ऊपर दिखाई दे रही है। कितना ऊपर दिखाई दे रही है वो आप माइनस करके लिख सकते हो। तो आई थिंक ये इसका बड़ा सिंपल सा वर्जन है, आप आराम से इसको मैनेज कर लोगे। मैं धीरे धीरे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाऊंगा, देखते जाना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस तरीके से है, ये भाई वेजिटेरियन वालों के लिए नहीं है, ये हमारे अगर कोई बंगाल साइड के बच्चे हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। अब जो फिश है उसको हम थोड़ा सा डीप फ्राई करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने फिश को एक ऑयल के अंदर डाल दिया, बस जोक है, सीरियस नहीं हो जाना, पता चले जा करके तुरंत ही मछली बनाने लग गए। तो ये फिश है, इसको हमने उठा करके डीप फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दिया, तो फिश पड़ी हुई है ऑयल में। अच्छा, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इधर का दे रखा है समथिंग अराउंड 5/4। ये जो डेप्थ दे रखी है, ये डेप्थ 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके ऊपर एक और मीडियम है यानी वाटर पड़ा हुआ है, वाटर का डेप्थ आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एज यूजुअल 4/3। अब बेचारी बर्ड जो है वो कंफ्यूज हो गई, कहती यार ये तो बड़ा सारा बीच में मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है। बर्ड की हाइट है 10 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अब सोचो इसे अगर आप अपने मेथड से करते तो करते रह जाते, अब मेरे मेथड से सीधे एक लाइन में ख़त्म। तो शुरू करते हैं, तो एपरेंट पोजिशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, बार मीडियम आ जाएगा बर्ड का, वो हो गया 1। अब आप सीधे एक्स बाय म्यू लेते चलो, तो यहाँ का एक्स बाय म्यू हो गया 10/1, अगला एक्स बाय म्यू हो गया 12/4/3 और लास्ट हमारे पास आ गया 25/5/4। तो फुल एंड फाइनल रिजल्ट आ गया, ये बन गया 10, ये 4 3 12, ये हो गया 9 और इधर हो गया 5 5 25 यानी 20। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 39। तो बर्ड को फिश अपने से 39 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से एपरेंट पोजिशन ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो ये निकालोगे, तो इसे निकालने के लिए अब बस बाहर मीडियम चेंज कर दो, बाकी सब
वैसा का वैसा ही है। तो इधर का मीडियम हो गया 5/4 और कैलकुलेशन आप देख ही रहे हो वही एज इट इज, हम लोग यहाँ से उठा लेंगे 39 और मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर दे दो। तो आई थिंक अपरेंट पोजिशन ऑफ बर्ड फिश तो अच्छे से आ गई होगी। अब इसमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाते हैं, देखना। अब रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाने पर स्टूडेंट की बेचारी की हालत ख़राब हो जाती है। तो आप लोग जनरली क्या होते हो, हालत ख़राब हो जाती है, डरते हो इसमें, ठीक है ना। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ संभाल लूँगा इसमें, बहुत आसान से ट्रिक दे रहा हूँ। देखो अब सिचुएशन ऐसी है कि बर्ड और फिश में मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट, देखना ये भी कितना आसानी से एक लाइन में खत्म होएगा हमारा। तो रिलेटिव मोशन का ये कंसेप्ट इस तरीके का है, एरी बर्ड जो कि ऊपर की तरफ उड़ रही है विद सर्टेन वेलोसिटी वी वी, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कहीं भी जाए। सिमिलरली एरी फिश, ये नीचे की तरफ जा रही है विद वेलोसिटी वी एफ, ठीक है। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एफ, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी, ये हाइट y और ये डेप्थ x। अब हमें पता क्या करना है कि फिश को बर्ड की इमेज की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, और सिमिलरली दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। मतलब जब ये लोग एक दूसरे को देखेंगे, पहले देख क्यों रहे हो, चले जाओ यहाँ से उठ करके, नहीं तो हम लोगों को ये सवाल जबरदस्ती के करने पड़ते हैं, क्या मतलब बर्ड और फिश से, रियल लाइफ में किसने बर्ड और फिश देखनी है, कोई काम का है, किसी काम का नहीं है। बट फिर भी ये चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो बर्ड ने फिश को देखना और उसको उसकी इमेज किस वेलोसिटी से दिखाई देगी हमें वो निकालना है। अब देखो तरीका, आप सबसे पहले पोजिशन लिख लो, तो एपरेंट पोजिशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, और ये तो अभी आदि हो गया, बाहर मीडियम आ गया म्यू बी और अंदर एज इट इज चलो वाई बाय म्यू बी प्लस एक्स बाय म्यू एफ। अब समझना, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, डरना मत, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी यानी टाइम। तो ये बन जाएगा डी एक्स बाय डी टी यानी वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो मैं इधर लिख दूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ठीक है। अब इस डिफरेंशिएट कहीं नहीं किया, बस खाली डी एक्स बाई डी टी का नाम बदल दिया, बी हो गया, यह एज इट इज रहेगा। डी वाई बाई डी टी, अब डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ बर्ड बन जाएगा डिवाइडेड बाय म्यू बी। तो क्या हो रहा है भाई, जो पोजिशन आ रही थी अब उनकी जगह उनकी वेलोसिटी आ गई, बहुत आसान सा काम। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी हमारे लिए बन जाएगा वी एफ डिवाइडेड बाय म्यू एफ। तो अब तो बड़ा आसान है कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो यार वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, पोजिशन निकालनी है पोजिशन से। बट एक ट्विस्ट है, इन वेलोसिटी के साइन डालने का पड़ते हैं और साइन कन्वेंशन का एक स्पेशल तरीका होता है। तो साइन कन्वेंशन का जो तरीका होता है वो एक अलग तरीका है, यहां पर वो तरीका ही है, वो ध्यान से सुनना। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हो कि कोई चीज ए से बी में डिसोसिएट हो रही है तो इसका रेट लिखते हो आप माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि भैया ए जो है टाइम के साथ साथ कंज्यूम हो रहा है, तो जो चीज़ समय के साथ कम होती चली जाती है उसके आगे माइनस साइन आता है, बस यही प्रिंसिपल है। अब चेक करो, ये चिड़िया ऊपर उड़ रही है तो इसकी पोजीशन समय के साथ साथ क्या बढ़ती चली जाएगी, तो जो चीज़ इंक्रीज करती चली जाएगी उसके लिए पॉजिटिव साइन, और जो चीज़ डिक्रीज करती चली जाएगी उसके लिए निगेटिव। तो सिंपल बोलूँ तो अगर ये बर्ड सरफेस से दूर जाएगी तो साइन पॉजिटिव, सरफेस के पास आएगी तो साइन नेगेटिव, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो साइन कन्वेंशन का तरीका सरफेस से अवे तो पॉजिटिव, टुवर्ड्स सरफेस तो सरफेस के पास आने पर यही साइन हो जाएगा नेगेटिव। अब पहले चेक करो,
तो अपनी फिश, अपनी हो या पराई हो, अपनी ये फिश, ठीक है ना, ये सरफेस से दूर जा रही है, तो इस VF का साइन यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। बर्ड भी सरफेस से दूर जा रही है, तो इसका साइन भी यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। अगर यही वेलोसिटी नीचे की तरफ होती, इस तरीके से होता VB, तो इसका साइन नेगेटिव हो जाता। ये VF ऊपर की तरफ होता, सरफेस के पास होता, तो अब इसका साइन नेगेटिव हो जाता। तो कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव? सरफेस से दूर जाने पर पॉजिटिव, पास आने पर नेगेटिव। और बाकी अब आप समझ गए कि हम पोजिशन हटा करके वेलोसिटी रिप्लेस कर लेंगे। तो चलो प्रॉब्लम फ्रेम कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये रहा, एरी बर्ड और फिश यहां पर पानी के अंदर कुछ डेप्थ सपोज कर लो 16 सेंटीमीटर पर तैर रही है, और बर्ड की हाइट आपको मैंने एज इट इज वही 12 सेंटीमीटर ले लो। तो मैं यहां पर आपको पोजीशंस दे रहा हूं, हाइट भी दे रहा हूं, तो मेरा एम है कि चारों सवाल मैं आपसे करवा लूं, दो पोजीशन के और दो वेलोसिटी के, ठीक है ना, दोनों दोनों मिलकर के आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे। यहां का म्यू 4/3, यहां का म्यू एज इट इज 1। अब ये जो बर्ड है, ये बर्ड सरफेस के पास आ रही है विद वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये जो फिश है ये सरफेस से दूर जा रही है विद वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब हमें वेलोसिटीज पे भी काम करना है, पोजीशन पे भी काम करना है। तो पहले पोजीशन वाले लिख लेते हैं, वो तो फॉर्मेलिटी है अब आपके लिए। तो पहला पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो बाहर मीडियम आ गया बर्ड का कितना 1। अब आप x बाय म्यू लिखते चले जाओ, तो यहाँ का x बाय म्यू हो गया 12/1 और अगला x बाय म्यू हो गया 16/4/3। तो ये यहां से कैंसिल हुआ और आंसर आ गया 24। दूसरा रिजल्ट ये लिख लिया, तो इसकी वेलोसिटी लिख लो। तो वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, यानी इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो बाहर मीडियम आ गया 1। अब पहले फॉर्मूला सेट कर लो, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड डिवाइडेड बाय म्यू, तो इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सरफेस के पास आ रही है, तो साइन इसका हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो -3 डिवाइडेड बाय म्यू की जगह आ गया 1। आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली फिश की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय म्यू, फिश सरफेस से दूर जा रही है, तो इसका साइन पॉजिटिव हो गया, तो +4/4/3। तो रिजल्ट ये कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 0। मतलब बर्ड को फिश की जो इमेज दिखाई देगी वो ना पास आती हुई दिखाई देगी, ना दूर जाती हुई, एक जगह स्टिल दिखाई देगी। समझ आ गई मेरी बात? तो ये आया इसका ओवरऑल रिजल्ट, पर अभी दो आए हैं। थर्ड रिजल्ट, अपरेंट पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। अब क्या होगा, बस बार मीडियम बदल लो, फिश का डाल दो कितना 4/3 और एज इट इज 24, तो ये आ गया 32। वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, तो ये हो गया 4/3 और एज इट इज कॉपी मार लो, पर वो तो 0 था, यानी इसमें फिश को बर्ड की इमेज भी रेस्ट पर दिखाई देगी, बर्ड को फिश की इमेज भी रेस्ट पर दिखाई देगी। तो ये था बच्चों हमारा बर्ड फिश प्रॉब्लम का रिलेटिव मोशन का और पोजीशन का कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ब्रह्मास्त्र भी अब आप सीख गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लास स्लैब। चलो, थैंक यू सो मच।